Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class. My name is Muhammad Imran. Today's my topic is amplitude modulation. What is amplitude modulation? हम जानेंगे amplitude modulation क्या है, कैसे काम करता है. Amplitude modulation may be defined as a system. Amplitude modulation may be defined as a system in which the maximum amplitude of the carrier wave is made proportional to the instantaneous value of the modulating or baseband signal. क्या है? Instantaneous value है. Instantaneous value है of the modulating or baseband signal. ये क्या है? हमारी instantaneous value है. अब हम देखेंगे sinusoidal carrier wave. Sinusoidal carrier wave हमारा क्या है? C of t equal to a cos omega c t, where ये क्या है हमारा? मैक्सिमम मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड. ये क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. ओमेगा सी क्या है? हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी. क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी. ये क्या है हमारा? इक्वेशन वन मान लिया इसको. इक्वेशन वन हमारा क्या है? इसमें फेज वेव क्या है हमारा? जीरो है. क्या है इसका? फेज ऑफ कैरियर वेव इज जीरो. फेज ऑफ कैरियर वेव इज जीरो. इसमें कोई कैरियर वेव नहीं है. क्या है हमारा? जीरो है. इसके बाद क्या देखेंगे हम? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में भी एक्सप्रेस. क्या है हमारा? एस ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी. इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन टू. ओके, या इसको लिख सकते हैं हम एस ऑफ टी
इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस ए ब्रैकेट कॉस ओमेगा सी टी इक्वेशन थ्री। इसमें हमने क्या किया, कॉस ओमेगा सी टी दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब इसके बाद क्या है, इनके ग्राफ क्या, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। जैसे हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ग्राफ बना रहे हैं, ये क्या है हमारा एक्स ऑफ टी। ओके, ये हमारी कुछ फ्रिक्वेंसी से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, लो हो रही, यहाँ पे हाई थे, लो होते होते हमारी जीरो पे आई फ्रिक्वेंसी, जीरो से फिर दोबारा जीरो, जीरो से फिर ये बढ़े। ये हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेशन सिग्नल। दूसरा हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल हो जाएगा। ये क्या है, एस ऑफ टी जीरो है, यहां भी जीरो रहेगा, ये कुछ फ्रिक्वेंसी से हमारा जो है ये चल रहा है, क्या है, सेम फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे। ओके, ये क्या है हमारा, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल इसको ये मान लेंगे, ये हमारा बी हो गया, और नेक्स्ट हम बना देंगे, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, ये भी कुछ फ्रिक्वेंसी से चल रहा है, बट इसमें फ्रिक्वेंसी क्या है, कुछ चलने के बाद घटना स्टार्ट करती है, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है हमारी, डाउन हो रही है, उसके बाद अप होने लगे। ओके, फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही और यहाँ पे हमारी अप हो गई। ये जीरो है हमारा एक्स ऑफ एस 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 ऑफ टी जीरो, इसको क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना काफ़ी। ओके, बाय।